फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल साइपर जून GP01। आज मैं आपके लिए एक प्यारे से रेसिपी लेके आ रहा हूँ, टमाटो सूप। टमाटो सूप कैसे बनाते हैं मोटे स्टाइल में और किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हम डालेंगे 1 से 2 लौंग, उसके बाद आपकी काली मिर्च, 1 इलायची, 1 टमाटर डालेंगे, उसके बाद हल्का सा बटर डालेंगे और इसमें डालेंगे हम गाढ़ा करने के लिए मैदा। और किस तरीके से बनाता है और टमाटर प्यूरी और किस तरीके से बनाता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे सूप की रेसिपी में हम हल्का सा ऑयल यूज करेंगे और आपका दो हमने बटर के क्यूब डाल दिए, तो बटर क्यूब डाल दिए, इसे अच्छे से भूनेंगे। इलायची और 2 लौंग और 1-2 लौंग और 2 काली मिर्च ये हमने ऐड कर दी इसमें। अब ग्रीन चिली, दो लहसुन डाल देंगे, दो लहसुन अच्छा मिक्स कर देंगे, ऐसे कर देना है। ये पता डालने के बाद हमारा सब चीज़ गर्म हो चुका है, सब चीज़ बन चुका है और हल्का सा मैदा डाल देंगे इसमें। इस तरीके से मैदा डाल देंगे, मैदा को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर रखे थे चॉप टमाटर, चॉप टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार आप बस नमक डाल देंगे, नमक इसलिए डाल रखा है टमाटर गल जाए, इसमें टमाटर डाल रखा है गल जाए। इसमें आपका टमाटर प्यूरी, टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। और इसमें पानी ऐड कर देंगे, इस तरीके से हमने पानी ऐड कर दिया। करने के लिए हम इसमें चीनी के दाने डालेंगे, अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं इसमें शुगर और हल्का सा विनीगर, हमने हल्का सा विनीगर डाल दिए और इसे घुमा लेंगे अच्छे से। और हमारे पास कुछ धनिया की जड़ें थी, हमने इसमें धनिया की जड़ें डाल दी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है धनिया की तरफ से। आप ट्राई करिए, डालिए इसे। ये हमारा सूप पक चुका है, इस तरीके से हमें गाढ़ा करना है इसे। गाढ़ा करने के लिए मैंने आपको दिखाया मैदा डाला, मैंने इसमें मैदा भूना है, इसमें तो मैदे से गाढ़ा होता है टमाटर सूप। टमाटर सूप को स्टन कर लेना है, इस तरीके से छान लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर रखा है हमारे सूप का। और इसमें हम 4 से 5 ब्रेड के क्रम डाल देंगे, ब्रेड का हम इसे फ्राई करते हैं, ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लिए और इसे हमने फ्राई कर लिए इस तरीके से, पीस से हमने ब्रेड के ब्रेड करने। और इसमें देखिए क्रीम ऐड कर देंगे और आपका हल्का सा बटर इस तरीके से ऐड कर देंगे। टमाटर सूप रेडी हो चुका है और देखा आपने कि किस तरीके से हम बनाते हैं टमाटर सूप और कितनी आसानी से हम टमाटर सूप बनाते हैं और इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कुछ भी नया सीखना हो या कुछ भी आपको अलग सीखना हो, प्लीज गाइस कमेंट पे लिखिए और उसकी रेसिपी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। बस ऐसे अपना प्यार बढ़ाइए, बढ़ाते रखिए और गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए प्लीज। इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक एंड शेयर कर दीजिए जरूर। थैंक यू गाइस।